सो हेलो लेजेंडरी गेमर्स, चलिए बात कर लेते हैं फ्री फायर में आए हुए कुछ और नए लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं वियतनाम के सर्वर में। और यार, आप लोग को ये पता होगा भाई, पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किसी भी सर्वर में जाकर वहाँ के आइटम को एक्सप्लोर नहीं किया है। वहाँ पर क्या चल रहे हैं, कौन से इवेंट चल रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। यार मुझे याद है जनवरी मंथ में शायद से मैंने ताइवान का सर्वर चेक किया था और आप लोगों को दिखाया भी था क्या क्या चल रहा है वहाँ पर। उसके बाद यार फरवरी मंथ चला गया और अभी मार्च चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि वियतनाम के सर्वर में क्या चल रहा है, ब्राज़ीलियन सर्वर में क्या चल रहा है, इंडोनेशियन सर्वर में क्या चल रहा है, ताइवान के सर्वर में क्या चल रहा है। यार बहुत सारे सर्वर है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इवेंट आई हुई है गाइज, और उसमें से जो भी आइटम्स वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, वो इंडियन सर्वर में भी आते हैं, बट यहाँ पर जो इवेंट है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दैट्स वाई यार आज हम लोग जा रहे हैं वियतनाम के सर्वर में, एंड गाइज देखेंगे वहाँ पे कौन सा आइटम चल रहा है और क्या वो आइटम इंडियन सर्वर में हम लोगों को किसी इवेंट के दौरान देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं देखने को मिल सकते, उसका भी प्रिडिक्शन हम लोग लगाए हैं गाइज। ठीक है, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उड़ते हुए चलते हैं वियतनाम के सर्वर में। तो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं वियतनाम के सर्वर में, और यार जैसे मैंने लॉगिन किया मुझे ये ड्रेस मिली है। चलो यार फ्री में मिला, अच्छा लग रहा है लोल। चलो यार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस हम लोग वियतनाम के सर्वर में ही है। ओके, तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा भाई, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग ये सोचकर वीडियो देख रहे हो कि भाई जो भी सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको इंडियन सर्वर में भी आ जाएगा, जितने भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडियन सर्वर में भी आ जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला। हाँ लास्ट में हम लोग ज़रूर अपना प्रिडिक्शन लगाएंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा आइटम हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकते हैं, बट यार ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। बस मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें दूसरे कंट्री के सर्वर में चल रही हैं। ठीक है, एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल रही है गाइस इस वीडियो से, और थोड़ा सा आप लोग इंटरटेन भी हो रहे हो, दैट्स वाई इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग प्रिडिक्शन भी लगाएंगे और जानेंगे कौन कौन सा आइटम इंडियन सर्वर में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली यार स्टार्ट करेंगे हम लोग लक रॉयल से, देखेंगे लक रॉयल में कौन कौन सा आइटम निकल कर सामने आए, क्योंकि यार लक रॉयल में मेन जो बंडल है वो तो सेम आता है, बट यार उसके अंदर के जो भी आइटम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद गाइज देखेंगे स्टोर में आखिर चल क्या रहा है, उसके बाद गाइज हम लोग जाएंगे इवेंट में और देखेंगे इवेंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वियतनाम के सर्वर में। ओके चलो यार स्टार्ट करते हैं लक रॉयल्स और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये कॉस्ट्यूम गाइज वो तो सेम चल रहा है, साथ में ये जो गन का स्किन फ्रेंड्स इंडियन सर्वर में भी आ चुका है, फ्री में मिल रहा है, एक्समेट गन का स्किन है। इसके अंदर गाइज क्या चल रहा है, मैजिक क्यूब, ठीक है भाई साहब ये कपड़ा दिया जा रहा है, ओहो साथ में दो इमोट भी है गाइज, ये वाला इमोट है सार्क वाला और ये वेव वाला शायद से इमोट है ना, हाँ आर्म वेव। उसके बाद यार गाइज यहाँ पे जो बंडल है ना यार कुछ खास नहीं है यार, ठीक ठाक है, मतलब इंडियन कंट्री के सर्वर में जैसा बंडल है उसी टाइप का, यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया जा रहा है। ओके चलते हैं गाइज देखते हैं गोल्ड रॉयल में क्या चल रहा है। भाई साहब क्या बात है, गोल्ड रॉयल में ये कॉस्ट्यूम अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, नाइस। और ओ भाई यार यहाँ पर आलोक कैरेक्टर दिया जा रहा है गाइज, अबे अबे लक रॉयल में यार आलोक करेक्टर सही है यार, गोल्ड रॉयल में आलोक करेक्टर। चलो यार फ्री में स्पिन करके देखते क्या होता है, आलोक करेक्टर डिस्काउंट साला गोल्डन बॉक्स दिया यार, हद दे कितने बदमाश है गाइस ये लोग, गोल्डन बॉक्स दिए थे। वेपन रॉयल में अरे यार गाइस यहाँ पर वेपन रॉयल में अभी भी ये एके गन का स्किन चल रहा है, ओ भाई साहब ये क्या यार क्या देख रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और यहाँ पर कुछ गन के स्किन्स भी अवेलेबल है, 600 स्पिन लगेंगे 10+1 स्पिन के, ओके 600 डायमंड लगेंगे। और गाइज यहाँ पर अच्छा ये कॉस्ट्यूम तो चल ही रहा है, लेकिन यार यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3 ब्लूप्रिंट दिए जा रहे हैं और एक एवोल्यूशन स्टोन, सही है यार। और गाइज ये तो स्टेफी करेक्टर का जो भी रॉयल है इंडियन सर्वर में भी आ चुका है, तो कुछ खास नहीं है यार यहाँ पर लक रॉयल में, कुछ खास हम लोग को नहीं मिला गाइज। थोड़ा सा यूनिक ये था कि जो भी अभी वेपन रॉयल यार यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों चेंज नहीं हुआ, बंदे लोग पागल हो रहे होंगे, वहाँ AR-94 इंडियन सर्वर में चल रहा है यहाँ पर लोल हुआ पड़ा है लोगों का। उसके बाद गई चलो चलते हैं स्टोर में, देखते हैं भाई स्टोर में क्या चल रहा है, ये बावड़ी तक खत्म नहीं हुई है, वाह। और डेली स्पेशल में क्या दिया जा रहा है, डेली स्पेशल, अरे अब भाई साहब ये देखो यार 200 डायमंड का ये मेमोरी फ्रेगमेंट, सही है भाई सही है भाई और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलो यार चलते हैं, ये तो इवेंट में ना, इवेंट बाद में देखेंगे हम लोग, न्यू में चलते हैं गाइज। तो ये पेट अवेलेबल, अरे यार ये नया स्किन है क्या, हाँ शायद से ये नया स्किन है सिल्वर फॉक्स का, यार गजब लग रही है भाई। और यार प्राइस देख रहे हो यार मात्र 129 डायमंड में, वाव नाइस। और ये रहा गाइस कटाना का स्किन भी अवेलेबल हो चुका है यहाँ पर, इसका लीक मैंने आप लोग को नहीं दिया था माफ़ करना, हुआ है यार 3-4 दिन शायद से हो चुका है इस कटाना की स्किन को यहाँ पर आए हुए। और ये कॉस्ट्यूम अभी फिलहाल नया नया आया हुआ है यहाँ पर, ये कॉस्ट्यूम मेरे पास है, रेयर कॉस्ट्यूम है यार, शायद से ये किसी शॉप में आया हुआ था।
और कुछ यहाँ पर खास आई थिंक, हाँ ये अभी भी अच्छा इसमें डिस्काउंट आया हुआ ना, दैट्स वाई ये बाबड़ी दिखा रही थी। ओहो क्या बात है, ये दोनों कॉस्ट्यूम यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं, इंडियन सर्वर में नहीं आया यार, पता नहीं क्यों नहीं आए, जहर लग रहा है भाई साहब। करेक्टर यार, करेक्टर का प्राइस वही है, करेक्टर का प्राइस अभी तक चेंज नहीं हुआ यार। ये हेलमेट अभी तक इंडियन सर्वर में नहीं आया है गाइस, पता नहीं कब तक आएगा बावड़ा। और ये सारी चीज़ें तो हैं ही यहाँ पर, इंडियन सर्वर में भी है। और अरे वाह सही है, और कुछ खास नहीं है यार यहाँ पर, मैं चेक करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। हाँ ये कॉस्ट्यूम इंडियन सर्वर में शायद से आ चुका है यार, ये कॉस्ट्यूम इंडियन सर्वर में लक रॉयल में है अवेलेबल। और ये शूज़ वगैरह तो बंडल में ही अवेलेबल होती है ना, हाँ ये सारी चीज़ें तो है ही कलेक्शन में गाइज। वाह क्या बात है, ये लूट बॉक्स यहाँ पर भी अवेलेबल हो चुका है गाइज। ये लूट बॉक्स ना शायद से डायमंड टॉपअप इवेंट में हम लोग को मिला था, माफ़ करना गाइज अगर आप लोग को बैकग्राउंड मैसेज आ रही होंगी तो। हाँ डायमंड टॉपअप इवेंट का ही यार ये दोनों लूट बॉक्स, सही है यार। बैकपैक में यार यहाँ पर नया कुछ अवेलेबल नहीं हुआ है सब कुछ। ये बैकपैक यार मुझे बहुत जहर लगा यार, पता नहीं इंडियन सर्वर में ये बैकपैक दोबारा आएगा भी या फिर नहीं आएगा, जहर बैकपैक है यार ये, मुझे चाहिए था। लोल। और यहाँ पर पैराशूट कुछ खास नहीं है, सर्वोट भी कुछ खास नहीं है, और ये जिप का स्किन अभी भी चल रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वाह सही है यार, ये थ्रो रिमोट कब से यहाँ चल रहा है भाई साहब, सिर्फ 200 डायमंड में दिया जा रहा है यहाँ पर थ्रो रिमोट। यार इन लोग के तो चांदी ही चांदी है। क्या ही मैं बोलूँ अब, पैट पैट कुछ खास नहीं है, पैट के स्किन्स यार यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, ये पैट का स्किन एक नया आया है और कुछ खास नहीं आया है। आइटम में गाइज कुछ खास नहीं है यार, डेली स्पेशल लोग देख लिए। आर्मरी सेक्शन में गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये कटाना का स्किन अवेलेबल हो चुका है, जहर लग रहा है कतई। और ये M41 गन का स्किन न्यू में चलते हैं गाइज, न्यू में दिखेगा। अच्छा न्यू में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई है ना, अच्छा न्यू में ये भी अवेलेबल हुआ है, वाओ। और क्या क्या है यार यहाँ पर, और शायद से ये सारी चीज़ें इंडियन सर्वर में भी है। ओके क्रेट में चलते हैं गाइस, क्रेट में ये कॉस्ट्यूम यहाँ पर क्रेट में मिल रहा है ना, ओहो क्या बात है, ये टोकन भी मिल रहा है गाइस, याद रखना अर्थ टोकन नाम है इसका, किस तरीके से काम आएगा अभी अभी इवेंट में बताऊंगा ठीक है। और ये कॉस्ट्यूम भी यहाँ पर उसी में मिल रहा है, और ओहो क्या बात है यार, पेट के यहाँ पर स्किन दिए जा रहे हैं। और गाइस इस टोकन को भी आप लोग याद रखो, स्प्रिंग फ्लावर टोकन, स्प्रिंग सीएन चल रहा है क्या यार वियतनाम के सर्वर में, इस टोकन का भी गाइस आप लोग याद रखना, बताऊंगा मैं आगे कहाँ पे कैसे मिलेगा। ओहो क्या बात है यार, डायमंड तो देखो 1000 डायमंड, 100 डायमंड, जहर भाई साहब, सही इवेंट है। न्यू में कुछ खास नहीं, और बंडल शूट में यही सारी चीज़ें हैं, और एक्सेसरीज में ओ भाई साहब ये सब हटा नहीं है अभी तक। लोल गिफ्ट में तो हम लोगों ने देख ही लिया है, पॉपुलर नहीं है ना आसपास। ओके गाइस चलते हैं रेडी में, और यार ये सारी सी इंडियन सर्वर में भी आ चुकी है ना, हाँ ओहो क्या बात है, ये सारी सी इंडियन सर्वर में भी अवेलेबल है। तो यार ओवरऑल देखा जाए स्टोर सेक्शन में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन यार इवेंट कुछ ज़्यादा ही जहर निकल कर सामने आया है यहाँ पर। चलो यार चलते हैं इवेंट में, और स्टार्ट करते हैं गाइस इवेंट से। और ये रहा भाई यार जो भी एके था ना इनक्यूबेटर वाला एके, गाइस यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है भाई साहब, देख सकते हो सारे के सारे एके यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, देख सकते हो यूनिकॉर्न एके, ये मेरे पास रेड वाला है अवेलेबल। तो यार ये सारे के सारे एके यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं भाई, यार क्या ही मैं बताऊँ। जहर चीज़ निकल कर सामने आया है गाइस, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यार, देखो मैं 100% श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ, शायद से हो सकता है यार ऐसे रिटर्न में ये जो एके का स्किन है हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिला, क्योंकि यार अभी नया इवेंट भी आने वाला है रैग्नारॉक, फ्री फायर रैग्नारॉक इवेंट, तो हो सकता है यार जो भी पुराने लेजेंडरी गन के स्किन्स थे वो शायद से किसी इवेंट में हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिले। आपको ज़रूरी नहीं है यार कि सेम इवेंट होगा, इवेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट हो सकता है आइटम हम लोग को सेम मिले, बट यार ये जो एके का स्किन है यहाँ पर अवेलेबल हुआ, फिर से रिटर्न हुआ है यहाँ पर। ओके और कैसे मिल रहा है, बस यहाँ पर ब्लूप्रिंट देने हैं, साथ में ये एवोल्यूशनरी स्टोन देना है, उसको बदले जाओ। ओके और गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को लीक में बताया था, ये जो डायमंड टॉप अप इवेंट है चल रहा है किसी दूसरे कंट्री के सर्वर में, तो इसी कंट्री के सर्वर में चल रहा है यार, साथ में ये टोकन मिल रहा है मिस्टीरियस पार्ट, और गाइज इसके हेल्प से आप लोग बिल्ड कर पाओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा गाइस, इस मिस्टीरियस पार्ट के हेल्प से और 3 एवोल्यूशन स्टोन के हेल्प से आप लोग एक ब्लूप्रिंट को ये क्रिएट कर पाओगे, बना पाओगे, बिल्ड कर पाओगे। ओके और गाइज यहाँ पे ये समुराई वाला कॉस्ट्यूम निकल कर सामने आ गया, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आप लोग को लीक दे दिया था कि समुराई वाला जो कॉस्ट्यूम है फ्रेंड्स यहाँ पर चल रहा है, और देख सकते हो गाइज ये जो भी है फेसलेस समुराई मैं इसको कहता हूँ, और ये देख सकते हो गाइज यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है, जहाँ पर ये बैकपैक दिया जा रहा है, साथ में इमोट, साथ में ग्रेनेड का स्किन, और गाइज ये रही मेन आइटम जहाँ पर ये समुराई का फीमेल बंडल दिया जा रहा है यहाँ पर इस इवेंट में। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं यार, सिंपली स्पिन करना है, जैसे ही स्पिन करते आएंगे जो भी डायमंड का प्राइस है वो बढ़ता चले जाएगा, और इन लोगों को जो भी आइटम है वो मिल जाएगा, सही है यार।
और ये रहा गाइस यहाँ पर जो भी बंडल है डॉक्टर वाला वो यहाँ पर भी अवेलेबल हुआ है, बट यार यहाँ पर आइटम थोड़े से डिफरेंट दिए जा रहे हैं। देख सकते हो इमोट दिया जा रहा है, साथ में ग्रेनेड के स्किन दिए जा रहे हैं, साथ में ये वेपन रॉयल दिया जा रहा है और इनक्यूबेटर वाउचर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स दी जा रही है, कुछ खास नहीं है यार। सिर्फ देखा जाए तो ये जो बंडल है यार वही बहुत अच्छा लगा, बाकी सब बेकार यार। यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया जा रहा है। इंडियन सर्वर में यार अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई थी, बैकपैक भी अच्छा लगा मुझे, साथ में जो भी सरपोर्ट है वो भी अच्छा लगा। और यार ये आइटम तो कतई जहर है ही, जो भी स्किन निकल कर सामने आया है इस कैरेक्टर का लौंडे का वो तो कतई जहर है ही। खैर उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा था इस टोकन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यार माफ़ करना अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही होंगी तो देख सकते हो गाइस ये जो टोकन निकल कर सामने आया फ्रेंड्स, इस टोकन के हेल्प से आप लोग इन सारे जो भी स्किन्स है फ्रेंड्स इन पेट्स के स्किन्स को आराम से एक्सचेंज कर पाओगे। तो सिंपली क्रेट ओपनिंग में जाना है, क्रेट को ओपन करना, अगर क्रेट ओपनिंग करने के टाइम आप लोग को ये स्किन मिल गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये टोकन मिलेंगे, इस टोकन के हेल्प से आप लोग इन स्किन्स को ले पाओगे। और गाइज यहाँ पर भी सेम कंडीशन है जैसे कि मैंने आप लोग कहा था अर्थ टोकन के बारे में बताऊंगा, तो वही सेम चीज़ है यार। अर्थ टोकन कलेक्ट करो, या तो फिर अगर किस्मत अच्छा रहा ये बंडल निकल गया क्रेट के अंदर से, सही बात है, अगर नहीं निकला तो अर्थ टोकन कलेक्ट करो, इसके बाद यहाँ से एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पर भी यार सेम इवेंट है, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और सेम इवेंट है यार। देख सकते हो ये फॉक्स का यहाँ पर स्किन निकल कर सामने आया है, तो फिर से वही क्रेट ओपनिंग है, क्रेट ओपन करो, अगर फॉक्स का स्किन निकल गया ये सारा तो सही है यार। ये कुछ नया स्किन निकल कर सामने आया है, डीलक्स मैकेनिकल फॉक्स बंडल, वाओ नाइस। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मिल रही हैं यहाँ पर वियतनाम के सर्वर में। यार ओवरऑल देखा जाए तो क्रेट ओपनिंग के बाद ना यहाँ पर इन लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, या तो स्किन मिल जाएगा किस्मत अच्छा रहा तो, या तो गाइज फिर ये मिलेगा ठीक है, और इस टोकन के हेल्प से फिर ये लोग आराम से किसी दूसरे स्किन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यार देखा जाए ओवरऑल तो नुकसान नहीं है इन लोग का, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। और इस कॉस्ट्यूम के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया है, उसके बाद गाइस चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जो कॉस्ट्यूम है फीमेल की यार यहाँ पर मिल रही है इन लोगों को ये वाले इवेंट में, यहाँ पर इन लोगों को ये गोल्डन वाला स्कल कलेक्ट करना पड़ रहा है तब जाकर इस कॉस्ट्यूम के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यार इंडियन सर्वर में क्या हो रहा है, इंडियन सर्वर में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ रहा है कलरफुल जो भी वहाँ पर दिए जा रहे इमेजेस, उसमें हम लोग को कलर फिल करना पड़ रहा है तब जाकर हम लोग को ये जो करेक्टर है वो मिल रही है, मतलब कि जो भी बंडल है करेक्टर की वो मिल रही है। तो देख सकते हो गाइस बंडल तो हम लोग को सेम मिल रहा है, आइटम हम लोग को सेम मिल रहा है, बट जो भी इवेंट है यार वो डिफरेंट निकल कर सामने आया है। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था गाइज, कोई ज़रूरी नहीं है जो भी इवेंट वियतनाम के सर्वर में चल रहे हैं सेम इवेंट इंडियन सर्वर में आएंगे, बट यार ये बहुत ज़रूरी होता है कि वियतनाम के सर्वर में जो भी आइटम चल रहा है फिर किसी दूसरे कंट्री के सर्वर में जो भी आइटम चल रहा है इवेंट में, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इंडियन सर्वर में भी हम लोग को देखने को मिले। ओके तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ग्रेनेड का स्किन भी है, जो कि ग्रेनेड का स्किन हम लोग को इंडियन सर्वर में मिल रहा था डॉक्टर वाले इवेंट में लोल। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ना यार ये जो टोकन है ना ये टोकन इन लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मिल रहा है एलिट पास में, मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हो गाइस। तो यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ गाइस मुझे समझ में नहीं आया करना क्या है इन लोगों को, लेकिन हाँ ये जो टोकन है फ्रेंड्स ये टोकन डायरेक्टली इन लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किसी करेक्टर के लिए कि आपको कौन, यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है, अब पता नहीं यार ये कौन सा इवेंट है क्योंकि वीमेंस डे इवेंट तो इंडियन सर्वर में चल रहा है, ये क्या इवेंट है फिलहाल मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गाइस यहाँ पर करेक्टर दिए गए हैं, चार करेक्टर हैं और आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा करेक्टर चाहिए वियतनाम के सर्वर में फिलहाल चल रहा है। जैसे मैंने लॉरा को सेलेक्ट किया गाइस, क्लेम करेंगे यहाँ पर हम लोग, और ये लीजिए कन्फर्म किया, और ये लीजिए गाइस जो भी लॉरा करेक्टर है वो क्लेम्ड हो गई, सही है यार, अच्छा इवेंट था यहाँ पर वाओ नाइस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स निकल कर सामने, ये कतई जहर इवेंट था यार ये तो, मज़ा आ गया। उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये बॉक्सेस भी दिए जा रहे हैं यार, इस बॉक्सेस में क्या है मुझे फिलहाल तो नहीं पता, शायद से ये तीनों करेक्टर होंगे और क्या, या फिर इनका पूरा बंडल होगा। लेकिन हाँ गेम शायद से खेलने हैं फ्रेंड्स कुछ नया यहाँ पर, क्लैश स्क्वाड शायद से, क्लैश स्क्वाड अवेलेबल है ना यार यहाँ पर, हाँ क्लैश स्क्वाड अवेलेबल है, तो शायद से इन लोगों को क्लैश स्क्वाड मॉड खेलना है फ्रेंड्स, क्लैश स्क्वाड मॉड खेल कर इन लोगों को मिलेंगे वही क्रेट्स, कहाँ गया यार, हाँ यहीं पर था ना, हाँ ये क्रेट्स मिलेंगे और इस क्रेट्स के हेल्प से गाइस शायद से ये लोग ये सारे आइटम को ले पाएंगे। ओके और ये रहा गाइस देख सकते हो ये कॉस्ट्यूम साला बावड़ा, पता नहीं अभी तक इंडियन सर्वर में क्यों नहीं आया, और यार ब्राज़ीलियन सर्वर में ये कॉस्ट्यूम पता है लक रॉयल में आया हुआ है, मतलब कि स्पिन करना होगा उन लोगों को तब जाकर निकलेगा, एक स्पेशल रॉयल आ गया इसके लिए। और पता है गाइस ब्राज़ीलियन सर्वर में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गया इसको लेकर कि आखिर क्यों ये जो कॉस्ट्यूम है वो मतलब कि फ्री में नहीं दिया गया, क्योंकि यार वियतनाम के सर्वर में आप लोग देख सकते हो सिंपल से यार ये ब्लैक कलर का जो भी स्कल है उसको कलेक्ट करना और सिंपली यहाँ पर जो भी बंडल ये लोग ले पा रहे हैं, लेकिन ब्राज़ीलियन सर्वर में पता नहीं यार डायमंड लगाना पड़ रहा है इस कॉस्ट्यूम के लिए, भाई साहब जहर मच गया कहते ही देख सकते हो गाइस हो गया, ये एक स्कल टोकन मैंने कलेक्ट किया उसी तरीके से मैं 15 स्कल टोकन कलेक्ट कर लूँगा तो मुझे ये कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। और देख सकते हो गाइस ये ग्रेनेड का स्किन भी दिखाया रहा, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये यार क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट यार ये जो क्रेट है ना बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, अब इस क्रेट के अंदर से क्या निकलेगा फ्रेंड्स इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट यार कुछ तो अच्छा होना चाहिए इस क्रेट के अंदर सब इतना ज़्यादा दिया जा रहा। तो और यार कुछ खास इवेंट यहाँ पर नहीं है,
जितने भी मेन मेन इवेंट थे लगभग सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए यार अब जाकर देख लेते हैं कौन कौन सा आइटम हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। एंड गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात का एकदम ध्यान रखना, हो सकता है यार आइटम जो है हम लोग को इंडियन सर्वर में सेम देखने को मिले, बट यार हो सकता है किसी दूसरे इवेंट में हम लोग को देखने को मिले। क्योंकि यार सीधी सी देख सकते हो आप लोग, ये जो कॉस्ट्यूम है यार हम लोग को इंडियन सर्वर में कुछ ड्रॉ करना पड़ रहा है तब जाकर, मतलब कि कलर फिल करना पड़ रहा है तब जाकर ये कॉस्ट्यूम फीमेल की कॉस्ट्यूम हम लोग को मिल रही है। बट यार यहाँ पर क्या है, स्कल टोकन को कलेक्ट करो, स्पिन करो, ये फीमेल की कॉस्ट्यूम इन लोग को मिल जाएगी। तो इस टाइप का कुछ इवेंट यहाँ पर चल रहा है, इसलिए यार मैं बोलता हूँ आप लोग को आइटम तो सेम मिलते हैं बट यार डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सर्वर में जो इवेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। ठीक है, तो यार कौन कौन से इवेंट इंडियन सर्वर में आ सकते, तो गाइस देख सकते हो ये जो डायमंड टॉप अप इवेंट है ये इंडियन सर्वर में आ सकता है। और गाइस ये जो इमोट है शायद से हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। अब यार कब तक आएगा फिलहाल इसके बारे में मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर ये जो डायमंड टॉप इवेंट है जब खत्म हो जाए तो इंडियन सर्वर में हम लोग को देखने को मिले। उसके बाद गाइस देख सकते हो ये जो एक एक स्किन है यार शायद से ये एक एक स्किन हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है फिर से आ जाए, क्योंकि यार रैग्नारॉक इवेंट भी आने वाला, क्या पता यार इस रैग्नारॉक इवेंट में हम लोग को ये एक एक गन का स्किन फिर से गेम के अंदर कभी देखने को मिले। उसके बाद गाइज ये जो फीमेल समुराई का कॉस्ट्यूम दिखाया जा रहा है गाइज, हो सकता है इंडियन सर्वर में मेल समुराई का कॉस्ट्यूम दे दिया जाए फ्लिप इवेंट में ही, क्योंकि यार कोई जरूरी नहीं है इंडियन सर्वर में भी फीमेल समुराई का ही कॉस्ट्यूम आएगा। और गाइज देख सकते हो यहाँ पर फ्लिप इवेंट में ये सारे रेयर आइटम है, जहाँ पर बैकपैक है, इमोट है और ग्रेनेड का स्किन है साथ में, गाइज ये रेयर आइटम है, फीमेल समुराई का कॉस्ट्यूम है। उसके बाद गाइज देखा जाए तो एक मिनट में बैक कर लेता हूँ, अरे यार ज़्यादा बैक हो गया लोल। और उसके बाद यार कुछ खास नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है यही सारे इवेंट इंडियन सर्वर में आएंगी, क्योंकि गाइज ये जो डायमंड टॉप इवेंट में ब्लूप्रिंट है ना, इस टाइप का इवेंट इंडियन सर्वर में भी आ चुका है, जहाँ पर हम लोग को कुछ जेम वगैरह दिया जा रहा था जिसके हेल्प से हम लोग एक ब्लूप्रिंट को क्रिएट कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हो सकती है इंडियन सर्वर में हम लोग को देखने को मिले। तो गाइज जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ और अपना प्रिडिक्शन लगाओ कौन कौन सा इवेंट हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट यार मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, कमेंट जरूर करना गाइज। और चलिए यार वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ यार हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की गेम प्ले डालते हैं, और डेविल मेकर 5 का जो भी न्यू एपिसोड है गाइज आ चुका है, अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की गेम प्ले देखना पसंद करते हो एक बार चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो चलो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का लाइक गेम रखते हैं 7 का लाइक गेम, कंप्लीट कर दो गाइज जल्दी से 7 का लाइक गेम और कंप्लीट कर देना यार प्लीज़ भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है 7 के लाइक गेम, बहुत ज़्यादा नहीं होते, आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।